हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रेरणा है और आज मैं इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन अवर मेंटल हेल्थ, कोविड-19 के हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में बात करना चाहूँगी। हम सबको पता है कि बीते हुए 2 सालों से कोरोना नाम का वायरस हमारे दैनिक जीवन में आ चुका है और उसने हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बहुत सारे तरीकों से प्रभावित किया है। कोरोना के आते ही विश्व भर में लॉकडाउन लग चुका था, जिसकी वजह से हम सब हमारे ही घरों में कैद हो चुके थे। उस दौरान हमारे मन में फियर, स्ट्रेस, आइसोलेशन एवं एंग्जाइटी रहने लगी थी। हमें डर लगने लगा था कि यह कब हमें हो जाएगा और कब हम मर जाएंगे। हमें स्ट्रेस रहने लगा था कि कब मैं वापस मेरे काम पर जा पाऊंगा। हमारा स्वभाव भी चिड़चिड़ा होने लगा था और हमें अकेलापन भी खलने लगा था। पर हमेशा याद रखें कि इस जंग में पूरा विश्व एक साथ है और कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो हमें यह याद रखना है कि हमें इस टाइम को बर्बाद नहीं होने देना है और अलग-अलग तरीकों से अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। पहला तरीका हो सकता है बाय शेयरिंग योर फीलिंग्स। अपनी भावनाएं व्यक्त करें, चाहे आप दुखी हो या खुश हो, एक दूसरे को बताएं, एक दूसरे से हाल पूछें। दूसरा तरीका है एक गहरी और लंबी नींद लें। सोने से हमारे दिमाग को आराम मिलता है और वह स्ट्रेस से लड़ने की अपनी क्षमता को बढ़ाता है। तीसरा तरीका हो सकता है हमेशा योगा और एक्सरसाइज करना। आपने देखा ही होगा कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वह पॉजिटिव और खुश रहते हैं। किसी ने सही ही कहा है कि मेडिटेशन विल गिव यू विंग्स टू फ्लाई। सबसे अहम बात यह है कि आप कभी भी ना हिचकिचाएं किसी भी मेंटल हेल्थ गाइडेंस को लेने से पहले। जब भी आपको इसकी ज़रूरत लगे जरूर यह लें। एक दिन हम सब इस पेंडेमिक से बाहर आ जाएंगे और हमेशा खुश रहेंगे। हमें यह याद रखना चाहिए कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भविष्य की गोद में बैठी हुई हमारा इंतजार कर रही है। इसलिए थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव एंड फील पॉजिटिव। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बातें करें और पॉजिटिव रहें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।